हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडेम देखेंगे। तो पहला तो कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे आपका था हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, राइट। हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स काम कैसे करता है? तो कम्युनिकेशन मीडियम जो मैंने पहले स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में बताए थे, तीन तरह के आपके डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, जिसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। वही सिमिलर कॉन्सेप्ट मॉडेम में यूज हुआ है फॉर द कम्युनिकेशन। तो पहले हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो आपके पास जो मॉडेम है, मॉडेम में एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा, मतलब मॉडेम या तो डेटा रिसीव करेगा एक टाइम में, या फिर दूसरे टाइम में डेटा सेंड करेगा। सेम टाइम में डेटा रिसीव एंड सेंड नहीं हो सकता है इन हाफ डुप्लेक्स मोड। तो यहाँ पे तो डायग्राम मैंने लिया है, ठीक है। तो ये एक मॉडेम है, ठीक है। तो मॉडेम को एक रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करना है मतलब मॉडेम से कुछ डेटा जाना है टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द डिवाइस। तो वो डेटा सेंड होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा इनटू अनदर फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज इनकमिंग कैरियर। तो यहाँ पे नो सिग्नल दिया गया है। क्यों नो सिग्नल दिया गया है? मान लीजिए अगर आपका एक डेटा इनकमिंग आ रहा है, मतलब एक इनकमिंग कैरियर है, तो उस टाइम में इनकमिंग कैरियर का इंडिकेशन होगा और डेटा रिसीव होगा, और डेटा रिसीव होने के बाद ही ये जो नो है आपका यस में कन्वर्ट होगा और रिक्वेस्ट कैन गो फ्रॉम अ मॉडेम टू आउटर डिवाइस। तो बेसिकली ये इसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ ए कैरियर इज डिटेक्टेड ऑन द लाइन बाय द मॉडेम, इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द इनकमिंग कैरियर सिग्नल टू द रिसीवर थ्रू अ कंट्रोल सिग्नल। एज लॉन्ग एज द डेटा इज बीइंग रिसीव्ड, द मॉडेम डज नॉट गिव परमिशन टू द रिसीवर टू ट्रांसमिट द डेटा। तो जब तक आपका इनकमिंग कैरियर आ रहा है और वो इनकमिंग कैरियर के थ्रू जब इंडिकेशन मिला उस पर्टिकुलर डेटा को कम्प्लीटली रिसीव नहीं करने तक, मॉडेम डिवाइस को अलाउ नहीं करेगा कोई भी दूसरा डेटा सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो पहले रिसीविंग कम्प्लीट होगा फिर ट्रांसमिशन होगा, वही है हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग दोनों हो सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो कैरियर यूज हो रहे हैं, वन इज आउटगोइंग वन इज इनकमिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको रिक्वेस्ट सेंड करना है, यहाँ पे यस सिग्नल मिला गया है। तो जब यस सिग्नल मिलेगा ये डेटा सेंड करेगा, जो कि करेगा थ्रू आउटगोइंग कैरियर। लेकिन अगर उसी सेम टाइम में कोई इनकमिंग कैरियर आ रहा है तो ये इंडिकेशन भी देगा और डेटा रिसीव भी होगा। तो दिस इज सो इजी एंड मोर फ्लेक्सिबल टू यूज देन द हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मॉडेम। तो एसिंक्रोनस मॉडेम में क्या होता है कि आपका जो डेटा बाइट्स हैं, मतलब नॉर्मली डेटा तो बाइट के हिसाब से ट्रांसमिट होते हैं इन डिजिटल फॉर्मेट। तो डेटा बाइट्स आर हैंडल्ड बाय स्टार्ट एंड स्टॉप बिट एंड नो टाइमिंग एंड क्लॉक बिटवीन द मॉडेम्स आर ऑब्जर्व्ड। तो स्टार्ट स्टॉप बिट को देख के डेटा बाइट को हैंडल किया जाता है, लेकिन कोई टाइमिंग या फिर क्लॉक नहीं यूज होता है टू चेक वेदर इट इज ट्रांसमिटिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और नॉट। तो वो चेकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का यूज करना है। लेकिन इंटरनल टाइमिंग पल्सेस सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, चाहे डेटा जो सेंड किया गया हो वो सिंक्रोनाइज ना हो। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि इट हैंडल्स कंटिन्यूस स्ट्रीम्स ऑफ डेटा बिट एंड इट नीड्स अ क्लॉक साइकिल। ऑब्वियसली सिंक्रोनस है तो इसको क्लॉक साइकिल चाहिए ये मॉनिटर करने के लिए कि पर्टिकुलर रेगुलर टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा बिट सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एंड सेपरेट क्लॉक फॉर डेटा बिट्स आर रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड।